This is in Tibet. The monastery in Tibet. Okay. One of the brothers tried to cross this Karakoram, the Mustang Pass, to find a new way to Kashgar. But on the north side, it was everything glacial. So he was home. So this is the Tibetan part which many of the birders from in India as well as abroad, they find it difficult. Of course, they just found 1 minute, they hired 4,000 last winter. So it's very few times, but in Ladakh, I don't know the numbers. Oh. मुबारक की बात ये है कि मुझे खुद मुबारकबाद दूंगा मैं क्योंकि मैंने आंखें खोल दी आज लद्दाख के बर्ड स्पीशीज़ को देख के. लद्दाख फेस्टिवल का मुनक़द आज हो गवर्नर साहब आए और चले गए, उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं था, शायद रुक नहीं पाए, लेकिन मैं सारे लद्दाखियों को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा. इसी बहाने लोग आपस में मिल जाते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट आके देखते हैं लद्दाख की कल्चरल हेरिटेज वगैरह क्या है. उसके अलावा ये जो बर्ड्स की फ़ोटो एग्जीबिशन जो ऑर्गेनाइज़ की गई है, जिसके लिए मैं खुद खुशकस्मत समझता हूँ अपने आप को कि मुझे इनॉग्रेट करने का मौका मिला. ये देख के मैं हैरान रह गया क्योंकि कभी यकीन नहीं था कि लद्दाख में पूरे रीजन में इतने सारे बर्ड्स की स्पीशीज होंगे. और ये उम्मीद भी जा गई है कि हमारे रीजन में बहुत सारे और स्पीशीज हैं जिनकी गिनती भी हुई नहीं, जो आइडेंटिफाई नहीं हुए. उम्मीद है कि और भी दिखते जाएँ. ये जो बर्ड्स क्लब है, ये मुझे लगता है आज के इस इवेंट से मुझे अंदाज़ा हुआ कि इन्होंने अभी तक कितनी मेहनत की है और कितने सालों से लगे हुए हैं ये बर्ड्स, इन बर्ड्स को आइडेंटिफाई करने में और लद्दाखियों के बीच में ये जागरूकता पैदा करने के लिए कि हमारे बर्ड्स को बर्ड स्पीशीज़ को प्रिजर्व करने का या इस इनको बचाने के लिए कंजर्वेशन के जितने भी मेथड्स हैं उनको आगे बढ़ाने में लोगों की कितनी मदद की ज़रूरत है. ये तो एक मुझे लगता है कि छोटा सा कदम है, लेकिन आगे हम सबको मिल के बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़े ताकि पूरे दुनिया की नज़र लद्दाख की बर्ड स्पीशीज़ पर बढ़े और पता चले कि यहाँ की वेराइटीज़ कितनी ज़्यादा हैं. मैं खुद देख के हैरान रह गया हूँ. उम्मीद है कि मैं खुद अपने जिस कैपेसिटी में मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, लेह और कारगिल दोनों में, उसकी उन कैपेसिटीज़ में शायद लद्दाख बर्ड सोसाइटी के साथ या और भी जितने भी क्लब्स हैं उनके साथ जितना ज़्यादा हमारे कोलाब्रेशन हो सके, जितनी ज़्यादा और कोऑपरेशन के साथ और मिल के एसोसिएशन बना के हम जितनी ज़्यादा और इंटरेक्शन करें, उतना ज़्यादा इन बर्ड स्पीशीज़ के लिए फ़ायदा होगा और उससे ज़्यादा फ़ायदा हमें खुद होगा. क्योंकि एक लद्दाख को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो माना ही जाता है, लेकिन बर्ड व्यूइंग के पर्सपेक्टिव से अगर देखी जाए तो टूरिस्ट के आने के चांसेस और भी ज़्यादा हैं. बहुत